हाथों की मुद्रा बनाएं, राइट हैंड से लेफ्ट ऊपर, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, हाथों को बदली कर लें, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, एक दो, एक दो तीन चार, रुके यहीं पर, हाथों को नीचे ऊपर की ओर खींचे और खींचे और थोड़ा सा धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों अपने के सामने की ओर कंधों पर स्थापित दोनों कोहनियों को मिलाए, कंधों पर प्रेशर दें, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाए, छत को देखें, तीन बार मुंह बंद कौन करें, 10 सेकंड रुके, संपन्न श्वास भरें, छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न दें, बढ़ते हुए सामने, छोड़ते हुए राइट साइड, एक दो, एक कोहनियों को मिलाएं, आगे से पीछे गोलाकार घुमाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरे गोले में आए, आगे कोहनी मिलाएं, अब पीछे से आगे, यही मुद्रा बनी रहे, श्वास भरे, छोड़ते हुए कमर को टर्न दें, लेफ्ट साइड, एक सामने दो राइट, एक सामने दो लेफ्ट, एक दो, एक संपन्न सर्वाइकल मुद्रा, राइट हाथ ऊपर लेफ्ट नीचे, उंगलियों के अगले कोनों को मिलाएं, हुक की तरह रोक लगाएं, राइट को ऊपर खींचे, लेफ्ट को नीचे, एक श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड से सिर कवर करें, दो गर्दन के पीछे, दोनों हाथों को खींचे विरुद्ध दिशा में समानांतर, दोनों हाथों के बल में खींचे, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड नीचे, पुनः स्थिर, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाथों को बदली कर लें, अब लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, ग्रैंड लॉक, लेफ्ट को ऊपर खींचे, एक दो चार, एक दो तीन चार, एक
दोनों हाथों की कलाइयों को पकड़े, सांस भरते हुए ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट साइड खींचे, राइट हैंड की कोनी सिर के पीछे, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, एक दो right, left side,
ऊपर, अब राइट हाथ हथेली राइट घुटने के पास लगाए जमीन से, लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट हाथ की बॉडी जमीन से टच और राइट साइड। धीरे धीरे ऊपर देखते जाए, करते जाए व्यवस्थित। लेफ्ट हथेली लेफ्ट घुटने के पास, राइट ऊपर, जैसे जैसे झुकेंगे बॉडी को नीचे ले जाए और जमीन से टच। लेफ्ट साइड जाना, लेफ्ट साइड, धीरे धीरे ऊपर। देखिए मेरा राइट हाथ ये आपका इस साइड है, उल्टा होगा इसलिए एक ही साइड में करें तो ध्यान रहे। हाँ, राइट हथे ली जमीन से लगाए, राइट घुटने के पास, लेफ्ट हाथ ऊपर जाए राइट साइड, हाथ सीधा रहे, धीरे धीरे ऊपर। लेफ्ट हाथ से करें, राइट हाथ ऊपर, धीरे धीरे ऊपर। हाथ की कोई भी तकलीफ हो आपको तो हाथ की एक्सरसाइज थोड़ा सामने फैलाए, कलाई से 90 डिग्री का कोण, एक नीचे दो ऊपर घुटने का प्रयास करें। जैसे कोई दीवार गिर रही है और आप उसे रोकने का प्रयास कर रहे हो ऐसा दिक्कत से, एक दो, एक दो, अंगूठी बंद करें, एक दो, एक दो, एक दो, दोनों अंगूठियों को मिला दीजिए, घुमाया गोला का उल्टी दिशा में, हाथों को खोलिए, उंगलियों को फैलाएं, जितनी फैला सकते फैलाएं और फैलाएं और फैलाएं। अब मुट्ठी बंद करें, पुनः खोलें, फैलाएं फैलाएं और फैलाएं, मुट्ठी बंद, एक बार और फैलाएं। अब मुट्ठी बंद को करें, रिलैक्स, सांस पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं भी अकड़न न रहे, तनाव न रहे, रिलैक्स। तैयार, अभी मैं आपको बता रहा हूं ज्ञान पूरा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगे, इसको कहते हैं नॉलेज पोस्चर, ज्ञान मुद्रा। मस्तिष्क संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, मस्तिष्क के स्नायु मंडल में कोई कमी हो, तकलीफ हो, तो इसे दूर हो जाती है। इसे पूरा मस्तिष्क प्रभावित होता है, जैसे अपनापन, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, पागलपन, क्रैकनेस, यहाँ तक ग्रीडी रोग भी इस मुद्रा से ठीक होता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, बार बार स्लीपिंग डॉल लेना पड़ते हैं, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, वो एक घंटा ये मुद्रा करें डेली, और मस्तिष्क संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे दूर हो जाती है ज्ञान मुद्रा। इसके साथ प्राण मुद्रा करने से और अच्छी नींद आती है। थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, ये प्राण मुद्रा मैं आपको बता रहा हूँ, उसके हाथ से बाकी दोनों हाथ साइड पर रखना चाहिए। ये ज्ञान मुद्रा जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्परेचर है, ये मुद्रा करने से गुस्सा शांत हो जाता है। जिन लोगों को याद नहीं रहता, छोटे बच्चे तो ये कहते हैं हमें याद नहीं रहता, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं हमारी उम्र हो गई है, याद रहना कम हो गया है, उन सब के लिए रामबाण है। इसके साथ महाप्राण प्रति करने से मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं,
जब दिल्ली आपने यहाँ पर रखी तो क्या हुआ, मस्तिष्क में वाइब्रेशन हुआ, भूकंपन हुआ। तो आप अपने बच्चों को ज्ञान गंगा के साथ महाप्राण करा सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं, तो आयु स्तर अच्छा रहता है और हमेशा यथाशक्ति आपकी बनी रहेगी। ये मुद्रा करने से डायबिटीज ठीक होती है, ये मुद्रा करने से ब्लड प्रेशर ठीक होता है और ये इतनी अच्छी मुद्रा है आपको कॉस्मेटिक यूज करने की जरूरत नहीं है, चेहरे पर आपके आभा झलकती रहेगी। जो बच्चे बहुत चंचल होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये मुद्रा करने से वो संतुलित हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी मुद्रा है और ये देख पाते हैं ये ज्ञान दोनों पेट सामने कर रहे हैं। जिन्हें बैठ पहने हैं वो आंखों को पीछे लगा दीजिए, सारा ले लीजिए ताकि आप ऐसे बैठ के कर सकते हैं। एक श्वास भरते हुए दोनों बच्चों को अंदर लाएं, दो श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाने दें, एक दो एक दो एक दो संपन्न। लेफ्ट पैर आगे राइट पीछे, लेफ्ट को नीचे की ओर ले आए राइट को अंदर, दो राइट नीचे लेफ्ट अंदर, इस तरह चलिए बारी बारी से। पैरों में किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे एड़ी का दर्द हो, पंजे में हो, कर्पसल्स में हो, घुटने में हो, थाई में हो, ये पैरों की सब एक्सरसाइज करने से काफी लाभ मिलता है। संपन्न। अब उंगलियां बेंड करें, दबाव दें, दे दबाव दो, दो में ढीला छोड़े, एक दो डेफिनेशन, एक ढीला छोड़े, दो दबाव दें, संपन्न। पैरों को टकराएं, संपन्न। गोलाकार घुमाएं, कटनों से गोल गोल घुमाएं, उल्टी दिशा में, संपन्न। पैरों को उठाकर पटके, संपन्न। घुटने की ढकनी को प्रेशर से ऊपर की ओर खींचे, एक खींचे, दो ढीला छोड़े, एक दो, एक दो। अब ढकनी को उंगलियों से पकड़कर गोलाकार घुमाएं, उल्टी दिशा में, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें, घुटनों के नीचे सांप के, दोनों पैरों को उठाएं जमीन से, पूरी स्थिरता हलचल बंद। अब पंजों को ऊपर नीचे करें, संपन्न। पैरों में फासला, दोनों पैरों को सेपरेटली गोलाकार घुमाएं, उल्टी दिशा में, संपन्न। पैरों को साइड में लेटाएं, एक दो अंगूठों को मिलाएं जमीन से टच, एक दो, एक दो, एक दो, संपन्न। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए अंगूठों को पकड़ें,
उठने का प्रयास, एक ऊपर दो आगे बढ़े, बात तलवार तेल मिला लीजिए, सामने देखें, एक जो आगे बढ़ सकते हो आगे बढ़े, अंगुलियां एडी से लगाएं, तो अब जो आगे नहीं बढ़ सकते उनको तो धीरे धीरे ऐसे प्रयास करना चाहिए, तो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, कोशिश करो, पैरों में फांसना, छात मिलोएंगे, स्टार्ट, सीधी रेखा में आ जाए, सीधी रेखा में पीछे, करिए फास्ट, धीरे धीरे स्लो संपन्न, पैरों में फासला, जितनी जगह अपना फासला बना लीजिए, चक्की चलाएंगे, पारस मुद्रा अंदर की ओर लॉक, घुटनों के लिए स्पेशल मुद्रा है पारस मुद्रा, लगाए लॉक, पैरों के आगे से हाथों को निकालें, चलाएं चक्की, उल्टी दिशा में सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाय पारस मलदुग्गर यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में चार चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे शेयर करें।